जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, 2022 क्लास 10th का 12th का भी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमने वीडियो बनाने में जो है देर कर दी। क्यों देर कर दी? इसका कारण था कि लाइट की समस्या थी और अभी भी है। बहुत मैनेज करके जो है आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपका क्लास नहीं रुकेगा, किसी भी तरह से क्लास चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जितने छात्रों को हमने बताया था कि आप जो हमारे ईमेल पर मैसेज कर दीजिएगा या रिजल्ट भेज दीजिएगा या रोल नंबर भेज दीजिएगा कि किस तरह से जो है ये आपका जो है नंबर आया है, कैसे आपने परफॉर्मेंस किया एग्जाम में। तो बहुत सभी छात्र तो नहीं भेजे थे, लेकिन लगभग 20-25 छात्र जो है भेजे थे और लगभग बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है। तो सबका जो है मैं नंबर क्रम से आपको बता दूंगा और जो है आप स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा, क्योंकि सबका स्क्रीन, सभी छात्रों ने स्क्रीन शॉट भी भेजा था, तो सबके रिजल्ट का मैं स्क्रीन शॉट भी आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं लो से स्टार्ट करता हूँ, यानी सबसे कम नंबर जो है ऑनलाइन क्लास का कितना गया है हमारा, उससे स्टार्ट करूँगा और सबसे हाइएस्ट तक जाऊँगा। तो आप जो है क्रम से ध्यान से जो है देखिएगा और जो है इन छात्रों से आप सीख लीजिएगा कि किस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस किया। किसी छात्र का जिनको जो है बहुत अंग्रेजी जिनका वीक था, उनका भी बहुत शानदार नंबर आया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग करते हैं हम सोनू चानी से। इन्होंने जो है स्क्रीन ईमेल पर जो है अपना रिजल्ट भेजा था और इनका जो है अंग्रेजी में अभी सबसे कम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 75 नंबर है। 75 नंबर सोनू सानी का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका रोल नंबर भी आप चेक भी कर सकते हैं। दूसरा है जो है श्याम बाबू का, इनका जो है 77 नंबर है अंग्रेजी में, आप स्क्रीन पर जो है इनको भी देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से लगभग जितने छात्रों का अंग्रेजी कमजोर रहा, फिर भी जो है उस हिसाब से देखा जाए तो प्रदर्शन इनका बढ़िया रहा था। उसके बाद बात करते हैं विनय प्रजापति का, इनका जो है 81 है। इन्होंने जो है ईमेल पर यह भी मैसेज किए थे और साथ में सभी लोग कंडीशन भी भेजे थे कि नंबर कम आने का कारण क्या था। अभी हम बताएंगे कि क्यों जो है बहुत सारे छात्रों का नंबर कम हो गया था, यह भी रीज़न मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं भरत सानी का, इनका जो है 81 नंबर इनका भी है। निगम कुमारी का, इनका भी जो है 81 नंबर, सिर्फ अंग्रेजी के भी मैं बता रहा हूँ, सबसे हाइएस्ट नंबर किसका है मैं बताऊँगा। पुष्पांजलि कुशवाहा का, इनका भी 81 नंबर। अब बात करते हैं आशुतोष यादव का, इनका जो है 82 नंबर। काजल यादव का भी जो है 82 नंबर और रितु सानी का जो है 82 नंबर। आप जो है देख लीजिए एक बार फिर, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि निगम का जो है 81 नंबर, पुष्पांजलि कुशवाहा का भी जो है 81 नंबर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो है रोल नंबर और जो है उनका पूरा परिणाम जो है आपके सामने आप देख सकते हैं। बात करते हैं आशुतोष यादव का, इनका भी जो है यहाँ पे 82 नंबर है। उसके बाद से आगे चलते हैं काजल यादव का, इनका भी जो है 82 नंबर है। बहुत शानदार सबका परफॉर्मेंस रहा है। अब आगे चलते हैं हम जो है रितु सानी का, इनका भी जो है 82 नंबर, यानी 82 का स्कोर जो है लगभग बहुत सारे छात्रों का था। क्यों था? अब जो है अभी मैं रीजन बताऊंगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे सलोनी कुशवाहा का, इनका भी जो है अंग्रेजी में 82 नंबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप हमको बताना कि आप स्क्रीन पर स्वयं देख लीजिए, मैं नाम बोलता जाऊँगा तो आप देख सकते हैं। शिवानी यादव का, इनका जो है 86 नंबर है, 86 इनका है। और श्वेता यादव का जो है 87 नंबर है, आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका रोल नंबर और नाम जो है नंबर भी दिया है। बात करते हैं विकास यादव का, इनका अंग्रेजी में 88 रहा। और रितेश शर्मा का निक्स सबसे हाईएस्ट, अभी बहुत सारे छात्रों ने जो है भेजा था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो है हमने शॉर्ट कर दिया, नहीं तो लगभग ज़्यादातर छात्रों का 80+ गया है। मैं बता रहा हूँ कि लगभग 75 छात्रों का जो है 75% छात्रों का जो है 80+ मार्क्स आए हैं अंग्रेजी में। तो आप जो है देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से इन्होंने जो है परफॉर्मेंस किया। अब जो है सबसे ज़्यादा नंबर की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है यहाँ पे शिवानी यादव का जो है 501 नंबर, 501 नंबर जो है आया है, और ये जो है पूरे अभी ऑनलाइन क्लास में जो है टॉपर रही है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर सलोनी कुशवाहा 496 नंबर, और थर्ड पर जो है श्वेता यादव, इनका जो है 490 नंबर। यानी इस तरह से जो है इन लोगों का जो है परफॉर्मेंस रहा है।
तो ये जो है अभी 2022 का सिलेबस बहुत शानदार तरीके से हमने नहीं पढ़ा था, सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने बताया था कि सिलेबस हमारा ख़त्म नहीं हो पाया है। उसके रीज़न यह था कि हमने वीडियो जो है बनाना अपना यूट्यूब चैनल बीच में स्टार्ट किया था। लेकिन 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 अब 2023 के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर क्यों हुए, क्योंकि आपके पास भरपूर समय है, आप इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे, आपको जो है मौका मिलेगा हमारे यूट्यूब से जुड़ने का। अभी जो है जितने भी छात्र परफॉर्मेंस किए हैं, जो अगल बगल के अगर कुछ छात्र होंगे तो उनको बुला करके जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा मेडल से, और जो है प्राइज से भी जो सम्मानित किया जाएगा। बाकी और भी छात्र जो है, बहुत ऐसे छात्र जो है ऑनलाइन जुड़े हैं दूर से, जो नहीं आ सकते हैं, तो उनको जो है उनको भी मैं अभी बधाई देता हूँ यहाँ से। और जितने भी एग्जाम में सफल हुए हैं सबको जो है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप लोग की सराहना करता हूँ कि आप लोग जो है एग्जाम में इतने शानदार तरीके से प्रदर्शन किए। जिनका अंग्रेजी में कम नंबर रहा वो अभी जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको नहीं कह सकता हूँ कि आपकी ज़्यादातर गलती रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो है हमने जितना क्वेश्चन बताया था उतना क्वेश्चन तो आया था, लेकिन हमने मान लीजिए अब हम पढ़ाएं, मान लीजिए उतना ही क्वेश्चन आ जाए, अगर जैसे हम नरेशन नहीं पढ़ाते, वॉइस नहीं पढ़ाते, टेंस का वीडियो जो है हम बताए थे कुछ का, उसके बाद लिटरेचर दो एक दो चैप्टर, क्योंकि बीच में चैनल स्टार्ट हुआ। अब जो है आपके पास 2023 के छात्रों के पास जो है पूरा शानदार मौका है, आप जो है पूरा विस्तार से पढ़िएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो खूब कमजोर छात्र होगा उसका भी जो है 85+ जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। मॉडल पेपर में तो अगर दो बना दूंगा तो दो में से जो है मॉडल पेपर 100% जो है गारंटी है कि आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो यही बताना था आप सभी को जो है, एग्जाम में सफल हुए सभी छात्रों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि आप लोगों ने इतना शानदार जो है परिश्रम किया, इतना शानदार मेहनत किया, और जो है इस संस्था के यानी यूट्यूब चैनल पर स्टार एके इंग्लिश क्लासेस का नाम रोशन किया। और सभी छात्रों को एक बार फिर शुभकामना, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।